आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे HBL पावर सिस्टम लिमिटेड शेयर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 3.81% की क्लोजिंग तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। अब आगे जान लेते हैं कि स्टॉक काम क्या करती है, कंपनी कौन सा इसका बिजनेस मॉडल है, क्या है, फंडामेंटल वगैरह थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग स्क्रीनर में जाकर यहाँ पर इसका फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कंपनी काम क्या करती है। कंपनी काम मेन बेसिकली HBL पावर सिस्टम, जो कि नाम से आपको पता चल रहा है कि पावर के काम करती है, पावर सेक्टर में और बैटरीज वगैरह को भी लेकर काम करती है, ई मोबिलिटी में भी काम करती है कंपनी। तो अभी रिसेंटली इसका अभी काम क्या कर रहा है कि रेलवे में जो कवच सिस्टम लग रहा है तो उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, कवच सिस्टम के ऊपर। तो इंडिया में ऐसे एक दो ही कंपनी है जो कि कवच सिस्टम बना रहा है रेलवे के ऊपर, जो एक्सीडेंट होने से रेलवे को रोकती है, तो उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो मतलब उस केस में भी देखा जाए तो थोड़ा सा स्टॉक मोनोपोली उस कवच सिस्टम वगैरह में लेके काम करता है। अगर मान लीजिए कवच के सिस्टम में अगर कुछ भी इसको ऑर्डर मिलता है तो HBL को भी वहाँ पे ऑर्डर मिलना तय है। अब देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप, जैसे कि देख सकते हैं 17,517 करोड़, मतलब मिड कैप है कंपनी। अभी आगे इसका बहुत ही ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ होने के लिए कंपनी के पास बहुत है। जैसे लार्ज कैप क्या होता है कि 4 लाख 5 लाख मार्केट कैप वाला शेयर को ग्रोथ होने में बहुत टाइम लगता है, डबल होने में। अब 10 लाख का मार्केट कैप है उसको डबल होने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी क्या है, जैसे 17,500 करोड़ का है तो ये अभी 10,000 करोड़ हो सकता है, 10,000 करोड़ होगा, 1 लाख करोड़ होगा, 2 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। तो कैसे करंट प्राइस अभी देख सकते हैं स्टॉक का 632 है, 52 का हाई देख सकते हैं 724 है और 52 एक लो देख सकते हैं 244 रुपया है। तो 244 रुपये का शेयर आपका जैसे कि 724 रुपया जाके आके चुका है, मतलब 2-3 गुना यहाँ से रिटर्न करके दे चुका है। कंपनी का पी देख सकते हैं 53 का है, बुक वैल्यू 44 का, स्टॉक का पी जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 रुपये का है, लेकिन कंपनी का पी आपका देख सकते हैं 53 का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ROE देख सकते हैं, मेन है ये हमेशा आपका 35 का है, बहुत बढ़िया है, ROE भी बहुत अच्छा है, 27.7% का है। अब जैसे थोड़ा सा कंपनी का आप मान लीजिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसा हो रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे 350 करोड़, फिर 374 करोड़ है ना, फिर 400, 500, 600, मतलब कंपनी का क्वार्टरली अच्छा खासा मतलब रिजल्ट आ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सेल्स बढ़ रहा है, थोड़ा सा इसका देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि खाली टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट 37 करोड़, 46 करोड़, 69 करोड़, 91 करोड़, 102 करोड़, 103 करोड़, मतलब प्रॉफिट भी कंपनी के साथ में बढ़ रहा है। अब ये तो था क्वार्टरली, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लीजिए कंपनी का। 2016 से यहाँ पे जैसे खोला हुआ है, देखिए 1200 करोड़ सेल, 1400 करोड़, 1600 करोड़, ये थोड़ा सा उस टाइम कोरोना वगैरह का टाइम था तो थोड़ा सेल में डिक्रीज हुआ था। फिर जैसे 23 से देख सकते हैं 1300 करोड़, 2200 करोड़, अभी तक TTM में भी देख सकते हैं कि 2200 करोड़ का सेल हो चुका है, मतलब आगे और अभी 2-3 क्वार्टर बाकी है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी 15 करोड़ आता था पहले आपका, फिर 38 करोड़ है ना, फिर ये तो कोरोना का टाइम था थोड़ा सा हुआ, फिर 94 करोड़, 98 करोड़, फिर यहाँ पे देख 280 करोड़, 309 करोड़, मतलब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। अब आगे देख सकते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टर में जाके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास देख सकते हैं 59% शेयर पड़ा हुआ है। FI लोग देखिए यहाँ पे जैसे पिछले था 2.66% का था, अभी क्या है कि 4.66% आपका मतलब इंक्रीज कर रहा है। HBL पावर सिस्टम में FI लोग अपना प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज कर दिया है। अब DIH लोग भी देखिए 0.41 का था, अभी 1.07%, मतलब DIH वाला लोग भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। पहले देखिए माल बेच कौन रहा है, पब्लिक, पहले पब्लिक के पास 40% था, अब जैसे देख सकते हैं 35% पर आ गया, मतलब 5% होल्डिंग यहाँ पे कम कर दिया है पब्लिक वाले में। तो पब्लिक लोग देखिए बांच वहाँ पे निकाल दे रहे हैं और बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग वहाँ पे माल लेके बैठ जा रहे हैं, मतलब कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है आगे और फंडामेंटल बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, तो होल्ड करना बनता है। क्योंकि जहाँ पे देखिए FI माल बढ़ा रहे हैं, DIH भी माल बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी बहुत बढ़िया है, ग्रोथेबल कंपनी है, आप इसको चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए रिसेंटली इसका 720 का हाई मार्क आया शेयर, अब आगे इसका टारगेट आप आराम से देख सकते हैं कि 1000 रुपया, तो कुछ नहीं तो 6-7 महीने में आपको 1000 रुपये का टारगेट यदि स्टॉक दिखा देगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका टेक्निकल, जैसे कि देख सकते हैं कल का डेट में स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट देने का कोशिश किया हुआ है। आपका RSI भी देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर दे रहा है, और यहाँ पे देखिए कैंडल अगर ऊपर बन जाता है EMA के ऊपर यहाँ पे, तो ऐसे हो सकता है थोड़ा सा मतलब आपका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक स्टॉक फिर से आपको जाते हुए पॉसिबल दिखा सकता है, जो कि 700 का टारगेट है करीब करीब यहाँ से। हाँ, EMA के ऊपर अगर कैंडल दिया उस केस में हम बोल रहे हैं, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन देकर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे M-Patent बन रहा है, तो यहाँ से अगर बाउंस बैक दे दिया तब तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं तो अगर इसको लेवल को तोड़ दिया ये स्टॉक ने तब तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एक बार आपको हम ट्रेंड लाइन लेके दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं स्टॉक का ट्रेंड लाइन, ये देखिए यहाँ से स्टॉक आपका
यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट लेके चांस तो ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे कि अगर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कुछ न्यूज आए, ऑर्डर मिले, तो यहाँ से बाउंस बैक कर जाए कुछ, नहीं तो कम से कम आपका जो 52 एक हाई है वही आपको मिल जाएगा 700 रुपये का टारगेट यहाँ से। और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन कर देता है तब स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, स्टॉक थोड़ा सा बियरिश हो सकता है यहाँ पे इस केस में, नहीं तो चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि स्टॉक का यहाँ पे सपोर्ट नेक्स्ट दिख रहा है आपका वही 500 के करीब, नहीं तो स्टॉक का देखिए फंडामेंटल बहुत अच्छा है तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि RSI भी आप देख सकते हैं कि आज अभी का डेट में RSI आपका कितना है, 53 पे है, तो चांसेस लग रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर भी दे रहा है, मतलब डबल यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर एक कैंडल आपका मंडे सेशन में ऊपर क्लोजिंग दे देता है तब तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, देख लेते हैं मंडे का सेशन में स्टॉक क्या करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है कि नीचे, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाए तो फिर देखा जाएगा मंडे का सेशन में होता क्या है स्टॉक। तो ये था आज का HBL पावर सिस्टम के ऊपर में टोटल मेरा डिटेल्स वीडियो।